नेक्स्ट डिजीज़ है जी मस्टाइटिस, जो उमूमी तौर से ऐसी मादाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सामने आती है। तो कारी साहब, मस्टाइटिस यानी जो मेमरी ग्लैंड्स जो हैं यानी कि जो थन जो हैं दूध वाले, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। सबसे जो बेहतरीन इलाज है एक होम्योपैथिक मेडिसिन है इसकी। इसकी वजूहत तो बहुत सारी हैं, मौसमी असरात भी हैं और कुछ रिकॉर्ड क्या असरात बैरूनी अवामल भी हैं, लेकिन उसके ऊपर तो शायद सब चीज़ मैं इसका इलाज बताता हूँ। इंतहाई सादा और आसान एक हमारी मेडिसिन है नेट्रम्योर, होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रम्योर। 3x में लें, बायोकेमिक गोलियाँ 3x में लें। एक गोली सुबह दोपहर शाम उसको दें, सिर्फ एक दिन की खुराक काफ़ी है। नथनों में दराड़े आ गई हैं, थनों में आ गई हैं, या उसके अंदर को ब्लॉकेज आ गया है, या उसकी नालियां फूल गई हैं, बाज का पंक्चर आ गया है, कुछ भी आ गया है, सोमा बंद हो गया है, उस तमाम का सलूशन ये एक मेडिसिन उसका कर देगी। तो वजाहत के ऊपर आप, चूँकि मैं पढ़ रहा हूँ आगे वाली बीमारी ई कोनी कुलाई भी है साथ, उसके उस्ताद हमारे भी यही हैं और पाकिस्तान में इसको मुतारफ कराने वाले भी यही हैं, तहकीक भी नहीं किया उसके ऊपर, तो यही करेंगे वो मजीद इसको वाइंड अप भी यही करें। ओवर टू आदिल शाह जी, ये आपकी नज़र करम है, मेरी भी कोशिश है कि जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करें क्योंकि इसके बाद अच्छा खासा मटीरियल रहता है। अच्छा, मस्टाइटिस की बीमारी उमूमी तौर से, जिस तरह मैंने बताया कि ऐसे मादाएँ जो कि बच्चे डिलीवर कर लेते हैं, डिलीवर करने के लगभग हफ्ते बाद या 10-15 दिन बाद उसमें जो है इस तरह की बीमारी सामने आती है। इसके जो बुनियादी रीजंस हैं वो हैं जो थन होते हैं मादा के, वहाँ पे सिस्ट बन जाए, या समटाइम ऐसा भी होता है कि जो दूध बनता है थन में, वो दूध जो है उसके सामने कोई ब्लॉकेज आ जाती है, वो दूध जो है निपल तक नहीं पहुँच पाता, तो उस दूध की वजह से अक्सर जो है वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से जो है इन्फेक्शन डेवलप होता है और वो ज़ख्म सा बन जाता है। अच्छा, इसकी दूसरे रीजंस भी हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि अगर कंटिमिनेटेड माहौल है, ऐसा माहौल है जहाँ पर आप प्रॉपरली पंजरों को डिसइन्फेक्ट नहीं कर रहे, अगर तो पिंजरों को आप डिसइन्फेक्ट नहीं कर रहे वहाँ पर इस तरह के बीमारियाँ ज़्यादा डिवेलप होती हैं, यानी गंदा माहौल एक बड़ी वजह है इसके, इस बीमारी के सामने आने में। अगर आप टाइमली अपने फार्म को डिसइन्फेक्ट करते हैं, पिंजरे को डिसइन्फेक्ट करते हैं, तो इस तरह के मसाइल नहीं होते। जहाँ पे भी सफाई का निज़ाम कमज़ोर होगा वहाँ पे मस्टाइटिस के मसाइल इंतहाई ज़्यादा डेवलप होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह कल हमने तफसील से डिस्कस किया था कि बहुत सारे बीमारियों के लिए जो बड़ी वजह है वो बेसिकली आपका माहौल होता है, यानी कि अगर एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट है जहाँ पे नमी ज़्यादा है, क्लोज तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं, कोई बंद कमरा है, बंद हॉल है, या बंद मुकम्मल तौर से वहाँ पर जो है कोई वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपरली नहीं हो रही, वहाँ पर इस तरह के मसाइल काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। अच्छा, करना क्या चाहिए इसमें, चूँकि ज़रा जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है। मस्टाइटिस बीमारी अगर फर्ज करें सिम्टम आ जाते हैं तो बेहतर ये, अगर कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं फिर तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है, उसके बच्चे उठा के बाकी मादाओं के साथ रख लें, बच्चों को उसके साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि सम टाइम उसका जो दूध होता है वो भी कंटिमिनेट हो जाता है, उसमें भी जो है वो जो है ये बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है और वो बच्चे को मुतासर करती है, बच्चे उससे मरते हैं। तो बहरहाल बच्चों को आपने अलग कर देना और मादा की आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। मादा में वही चीज़ जैसे कि एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे कंडीशन होती है, तकलीफ दे कंडीशन, उसकी तकलीफ को कम करने के लिए आपने जो है पेन किलर का इस्तेमाल करना है, जो कि पेन और बुखार दोनों को ख़त्म करेगी। साथ में जो इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन ऐसा है कि उसकी अपनी इम्यूनिटी उसको रिकवर कर रही है तो ठीक, नहीं तो आपने फिर एंटीबायोटिक लाजमी इस्तेमाल करना है। इस तरह के इन्फेक्शन में पेंसिलीन या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये दो किस्म की एंटीबायोटिक जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है, यानी कि ये इस तरह के इन्फेक्शन जिसमें पीप टाइप बनता हो उसको बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सवाल तो पूछ ले वरना आगे बढ़ते हैं। इसमें से थोड़ा सा और ऐड कर दूं। जी जी, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जी जी साथ है कि डिजीज तो पता लग गया कि जी उसके थनों में दूध नहीं आ रहा, उसके थन बंद हो गए, उसके लिए इलाज भी और दवाइयाँ भी बता दी आपने, लेकिन अगर थोड़ा सा खुद भी अगर उसके ऊपर हिम्मत करें
आपको पता लग जाए कि जी ये बच्चे दूध नहीं पी रहे, तो फौरी तौर पर फीमेल को उठाएं और उसके थनों को चेक करें। थन उसका या तो कट लगने की वजह से, क्योंकि बच्चों के मुंह में दांत तो पैदाइशी होते हैं, वो उसको कट करते हैं, तो वो कट लगने की वजह से जख्म बन जाए जिसकी वजह से वो दूध आना बंद हो जाता है, तो उसको फौरी तौर पर नीम गर्म पानी के साथ उसको साफ करें, उसको दबाएं हल्का हल्का आस्ता आस्ता। फिर अगर ये नहीं है तो थन को दबा के देखें कि उसमें से दूध के ड्रॉप्स आ रहे हैं। 6-7 थन जितने भी थान है सारा उनको थनों को दबा के देखें कि दूध के ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो फिर तो मसला हल हो गया, फिर तो कोई अंदरूनी मसला है। लेकिन अगर दूध के ड्रॉप्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है उसका थन ब्लॉक हुआ है। उसका मसाज करें आस्ता आस्ता, तो वो इंशाल्लाह तो ये। और सबसे बड़ी वजह है ना थानों का ख़राब होने की, वो है सफाई। गंद लगने की वजह से जो है वो थान जो है उनके सुराख बंद हो जाते हैं, तो उनको साफ रखना चाहिए और थानों को सुराखों को खोल देना चाहिए। मेरी यही बात। अच्छा, कोई और सवाल है पूछ ले। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास बीमारी है जी, ई कुनिकुलाई ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है और ये तकरीबन हर उम्र के खरगोश को मुतासर कर लेती है, यानी छोटे बेबी से लेकर एक बड़े खरगोश ब्रीडर खरगोश तक को मुतासर कर सकती है। बुनियादी तौर से इसके फैलने का जो रीज़न है वो जो कंटीमिनेटेड यानी कि जो मुतासर खरगोश होता है उस मुतासर खरगोश के यूरिन की वजह से, या अगर मादा है तो उस मुतासर खरगोश के जो बच्चे वो डिलीवर करती है तो बच्चों के ज़रिए जो है माँ से ये बच्चों में मुंतकिल होती है। तो बहरहाल इसके बुनियादी जो नुकसानात हैं या सिम्टम्स हैं, इसमें अक्सर पिछले टांगों का जो है काम छोड़ देना, इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बिला वजह कोई ख़ास वजह नहीं होती, और रैबिट की जो आँख होती है वो बिला वजह ना उसमें से कोई पानी निकल रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो जो है बनावट जो है वो चेंज हो रही होती है और VPIs जो है वो डेवलप होती है एंड। या इसकी और रीजंस हैं जी, हेड टिल्ट यानी कि सर का मुकम्मल तौर से एक तरफ टिल्ट हो जाना, मुकम्मल तौर से एक तरफ से मुड़ जाना, इस तरह की कंडीशन जो है ये डेवलप होती है। ये बीमारी आप लोगों को वैसे पता है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, कहीं फेस की है, कहीं पे देखी है, थोड़ा बहुत लिटरेचर वगैरह इसका पढ़ा हो? जी देखिए, मुर्गियों में देखी जी, मुर्गियों में मेरे ख़्याल से शायद कोई और वजह हो, चूँकि ये अभी तक के जो डेटा है तो ई कुनिकुलाई जो डिज़ीज़ है इसके स्पोर्स बाकी जानवरों में नहीं पाए जाते, यानी कि इसमें जो पैरासाइट होता है, जो छोटा पैरासाइट है, टाइनी पैरासाइट है, वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इन्फेक्शन पे लाता है। जैसे कि हमने बैक्टीरियल बीमारी थी ज़ुकाम पेस्टरोलोसिस, उसमें हमने पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया जिस्म के जिस अज़ा पे इन्फेक्शन डेवलप करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है सिम्टम भी सामने आएंगे, उसी अकॉर्डिंग जो है जो इन्फेक्शन या फिर जो नुकसानात हैं वो भी सामने आते हैं। तो ऐसा ही जो ई कुनिकुलाई के जो ये पैरासाइट हैं, तो जिस्म के जिस हिस्से पर ये इन्फेक्शन डेवलप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स मिलेंगे, यानी कि या हेड टिल्ट हो सकता है या फिर यूरिन पे अक्सर कंट्रोल नहीं रह पाते, यानी कि किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम जो है डेवलप हो जाती है जिसमें यूरिन स्केल्डिंग होती है, यानी कि जो यूरिन जो है इसके टांगों पर जो है वो लीकेज हो रहा, जिस तरह कोई टूटी जो है वो खुली रह गई हो थोड़ा थोड़ा करके उसमें से यूरिन निकल रहा। तो बहरहाल मुख्तलिफ अज़ा पे मुख्तलिफ तौर से इसके सिम्टम्स आते हैं। इसके अगर ट्रीटमेंट की तरफ जाए तो जो अज़ा के मुताबिक जो उसकी कंडीशन होती है, यानी कि अक्सर अगर पिछले टांगों का काम करना छोड़ देना या फिर सर का एक तरफ मुकम्मल तौर से रोटेट हो जाना, टिल्ट हो जाना, हेड ट्विस्ट हो जाता है, तो उस ट्विस्ट की कंडीशन में या पिछले धड़ का काम करने ना करने की शक्ल में शदीद किस्म की पेन होता है, तो पेन सबसे पहले तो आपने साथ में पेन किलर इस्तेमाल करना है। दूसरा, कोशिश करनी है कि इसमें फ़र्क कैसे किया जाए कि यार ये कोई वीकनेस है, मसल्स की वीकनेस भी हो सकती है या फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि जो हेड टिल्ट है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हेड ट्विस्ट हो सकता है। तो
تو بہرحال اس کے لیے پھر آخری طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لیبارٹری ڈائگنوزنگ کریں. لیبارٹری ڈائگنوزنگ کے علاوہ ہمارے پاس یہ آپشن بچتا ہے کہ جو ہمارا تجربہ ہو, تجربے کی بنیاد پہ اس بیماری کے اکارڈنگ ہم میڈیسن یوز کریں. اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں, اگر تو ایکونیکولائی ہے تو ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. اس میں آپ نے سپورٹیو میڈیسنز, سپورٹیو میڈیسنز کے ساتھ سپورٹیو میڈیسن میں جس طرح وائٹامن بی کمپلیکس اس کے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس پیراسائٹ کو ختم کرنا ہے جسم میں سے, یعنی کہ وہ مزید جو ہے انفیکشن کو بڑھا نہ دے یا اس کو اسٹاپ کر دے انفیکشن کو. تو اس میں پھر ہم فینبینڈازول کے استعمال کرتے ہیں. فینبینڈازول بنیادی طور سے ایک ڈی وارمر ہے, جس طرح ہم البینڈازول کے استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے فارم پہ ہر ڈھائی مہینے بعد, تین مہینے بعد جب آپ ڈی وارمنگ کرتے ہیں تو فینبینڈازول کے ساتھ کیا جائے. اس کے ساتھ ممکن حد تک آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو کریں, ورنہ تو سیشن کو اسٹاپ کرتے ہیں پھر بریک لیتے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا کہ بھاگتے بھاگتے ریبٹس کی پچھلی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں. یہ اس نے چھلانگ لگا لی ہوگی اور اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, جس طرح کمر ہماری اکثر ٹوٹ جاتی ہے اور کٹ جاتا ہے, ہاں یعنی کہ جس طرح ایک ریبٹ, ہاں ریبٹ سم ٹائم وہ زور سے پچھلی ٹانگیں جو ہے وہ فلور پہ مارتا ہے, زمین پہ مارتا ہے, اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتی ہے. یہ اگر اٹھانے میں بے احتیاطی ہو اس کی وجہ سے پچھلا دھڑکاؤں کرنا چھوڑ, یعنی کہ کمر سمپل سادہ الفاظ میں بتائیں تو کمر ٹوٹ سکتی ہے کمزوری, وہی کہ وہ پٹھے جو ہے اس کا کنیکشن ہی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. جو پچھلی جو ذہن کے ساتھ پچھلا دھڑ جو ہے, یہ جو پچھلی ٹانگیں ہیں یہ کنیکشن بنا ہوتا ہے, وہ اس کنیکشن میں اگر ڈس کنیکشن آ جائے تو اکثر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پچھلی ٹانگ. اس کی ٹریٹمنٹ, ٹریٹمنٹ اگر فرض کریں ٹوٹ گئی ہے, کمر ٹوٹ گئی ہے, اس کنڈیشن میں ریکوری کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. بہرحال ٹرائل کے طور پہ آپ میتھیکوبال ٹائپ میڈیسنز کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ مسلس کو جو ہے طاقت دیتی ہے. اگر فرض کریں اس کے بعد بھی آپ کو رزلٹ نہیں مل پاتا یا آپ بڑے لیول کا کمرشل فارم چلا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو انڈیویجولی لمبے کورس تک کے لیے ٹریٹمنٹ دے سکیں. تو ایسے میں بہتر ہے کہ آپ اس کو ذبح کر کے اپنے دسترخوان کی زینت بنا لیں. اس میں آخری سوال ہے یہ کہ کیا ایکونیکولائی میں متاثرہ ریبٹ باقاعدگی سے کھانا کھاتا رہتا ہے یا اس کے اوپر بھی کچھ وہ بلاک کرتا ہے؟ اچھا یہ بالکل بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیراسائٹ جسم کے کسی ایسے حصے میں رہتا ہے کہ وہاں پہ یہ ریبٹ کو نقصان نہیں پہنچا پاتا, یعنی کہ وہاں پہ اگر یہ انفیکشن پیدا بھی کرے تو وہاں پہ یہ نقصان نہیں کر سکتا ریبٹ کا. ظاہری طور سے جو بڑا نقصان سامنے آتا ہے, جو ہم نے نمایاں جو سمپٹمز ہیں وہ ڈسکس کیے, اس کنڈیشن اس طرح کی کوئی کنڈیشن ڈیولپ نہیں ہوتی. تو یہ صرف کیریئر کا کام کرتا ہے, یعنی کہ یہ صرف فساد پھیلاتا ہے, یعنی کہ ایک کو بھی کنٹیمنیٹ کرتا ہے, دوسرے کو بھی کنٹیمنیٹ کرتا ہے, خود اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے سیشن کلوز کرتے ہیں. بالکل.